एक सेना में जो ये योद्धा लोग खड़े हैं, कौरव और पांडव, प्रत्येक सेना में जो ये योद्धा लोग खड़े हैं, तेरे अतिरिक्त वे सब नहीं रहेंगे, तेरे बचाने पर भी मर जाएंगे। इस कारण तू खड़ा हो, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर, धन धान्य से भरे हुए राज्य को भोग। ये लोग तो पहले ही मुझसे ईश्वरीय नियम से हनन हो चुके हैं। हे सव्यसाची, अब तू केवल निमित्त मात्र हो जा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, करण और अन्य भी योद्धा वीर मैंने हनन कर रखे हैं, उनका जीवन काल समाप्त हो चुका है, उनका तू हनन कर व्याकुल ना हो। संग्राम में तू शत्रुओं को जीतने वाला है, इस कारण युद्ध कर, भगवान के काल स्वरूप का यह वर्णन बड़ा अद्भुत और उत्तम है। संजय ने कहा, केशव के इस वचन को सुनकर हाथ जोड़े कांपता हुआ भयभीत अर्जुन बार बार नमस्कार करके श्री कृष्ण को गदगद कंठ इस प्रकार बोला, हे ऋषिकेश, यह ठीक है कि आपकी कीर्ति से जगत प्रसन्न होता है और अनुराग करता है। भयभीत राक्षस लोग दसों दिशाओं को भागते जाते हैं और सिद्धों के सब समूह तुझे नमस्कार करते हैं। सबसे बड़े ब्रह्मा के भी आदि कर्ता आपको हे महात्मन कैसे ना जन नमस्कार करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत के निवास, आप प्रकट हैं, अप्रकट हैं और इससे भी जो ऊपर है वह है। आप आदि देव हैं, पुरातन पुरुष हैं, आप इस विश्व का परम आधार हैं, आप सबको जानने वाले हैं, आप सबको जानने वाले हैं और जानने योग्य भी आप ही हैं, तथा आप परम धाम हैं। हे अनंत रूप, यह विश्व आपसे ही विस्तृत हुआ है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और प्रपिता मैं आप हैं। आपको सहस्त्रों बार नमस्कार हो और भी अधिक बार नमस्कार हो। हे सर्व स्वरूप, आगे से, पीछे से और सब ओर से आपको नमस्कार हो। आप अनंत बल, अपरमित शक्ति है, सब में विद्यमान है, इसलिए आप ही सर्व स्वरूप हैं। आपकी इस महिमा को,
ना जानते हुए मैंने प्रमादवश अथवा प्रेम से सखा मानकर आग्रह पूर्वक जो कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, और जो कुछ हंसने के, खेलने के समय, घूमने में, सोते समय, भोजन काल में, अकेले अथवा जन समुदाय के सामने मैंने आपकी अवज्ञा की है, तेरा अपमान किया है, वह आप अपार पुरुष से मैं क्षमा करवाता हूं। आप जंगम स्थावर जगत के पिता हैं, इसके पूज्य हैं और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। आपके समान ही कोई नहीं है, तो अधिक कोई कैसे हो सकता है। तीनों लोकों में अतुल्य प्रभाव वाले हैं, इसलिए साष्टांग नमस्कार करके स्तुति योग्य आप ईश्वर को मैं प्रसन्न करता हूं। हे देव, जिस प्रकार पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रेमी प्रेम पात्र के अपराध को सहन करता है, इस प्रकार आपको मेरे अपराध सहन करने चाहिए। पहले ना देखे हुए आपके रूप को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है, परंतु फिर भी भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे देव, वही अपना पहला रूप दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न पूजिए, मुकुट सहित गदा चक्र हाथ में धारण किए हुए उसी प्रकार के आपके पहले रूप को मैं देखना चाहता हूं। हे सहस्त्रभुज, हे विश्वमूर्ति, उसी पहले चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। चार अंगों में दो करूबी परिगणित है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर आत्म बल से ये अपना तेजोमय सर्व रूप अनंत आदि और परम स्वरूप तुझे दिखाया है। वह मेरा रूप तुझ से अतिरिक्त दूसरे ने पहले नहीं देखा। हे कुरुओं में उत्तम वीर, तेरे से बिन किसी अन्य से ना वेदाध्ययन से, ना यज्ञ से, ना शास्त्र पाठ से, ना दानों से, ना क्रियाओं से और ना घोर तपों से मैं ऐसे रूप वाला मनुष्य लोक में देखा जा सकता हूं। इस प्रकार के मेरे इस घोर रूप को देखकर तू घबरा मत और मोह में ना पड़, भय रहित प्रसन्न मन हो और फिर मेरा वही रूप
यह तू देख। संजय ने कहा, वासुदेव ने ऐसा कहकर अर्जुन को फिर अपना रूप दिखाया और फिर उस शांत मूर्ति महात्मा ने डरे हुए उस अर्जुन को आश्वासन दिया, धैर्य बंधाई। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपका यह शांत मनुष्य रूप देखकर अब मैं स्वस्थ हो गया हूं, चेतन हो गया हूं और ठीक सावधान हो गया हूं। भगवान ने कहा, मेरे जो रूप, मेरा जो रूप तूने देखा है उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। देव भी इस रूप के दर्शनों की सदा अभिलाषा करते रहते हैं। जिस प्रकार तूने मुझे देखा है उस प्रकार मैं वेदों से, तप से, दान से तथा यज्ञ से नहीं देखा जा सकता। फिर कैसे देखे जावेंगे प्रभु आप? परंतु हे प्रंतप, इस प्रकार के मेरे रूप को जानने के लिए, देखने के लिए और उसमें वास्तविकता से प्रवेश करने के लिए अनन्य भक्ति ही